है, क्या कारण है इसके पीछे? जी 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 डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात ये है कि आखिर में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में युवा इसके शिकार होते जा रहे, कैसे बचाया जा सकता है? क्या ऐसा तरीका है जिसके चलते मान लो किसी को लत भी लग गई है तो वो कैसे इससे अपने को आपको बचा ले? क्या कोई ऐसा तरीका है? जी, जी जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी एक बात और उठती है, क्योंकि नशाखोरी अपने पूरे समाज में बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या सोशियोलॉजिकल कारण है या ये कोई साइको कारण है जिसके कारण, कोई इसके कारण क्या, बेसिक कारण क्या होता है नशाखोरी के पीछे? जी, जी यानी कि जो व्यक्ति, एक और डॉक्टर साहब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी जिस व्यक्ति के सामने लक्ष्य नहीं होता, प्रेरणा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर इसके शिकार हो जाते हैं, दोस्त दोस्त खेल खेल में ही वो ऐसे लक्ष्यविहीन जो युवा होते हैं वो इस नशे के ज्यादा शिकार होते हैं। जी, तो ऐसे जी डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों के लिए जिनका लक्ष्य है लेकिन वो इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनके लिए क्या राय है आपकी साफ साफ तौर पे इस बारे में? जी 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 धन्यवाद 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 डॉक्टर साहब आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी बहुत फेमस डॉक्टर हैं, आस्थमा को लेकर उनका बड़ा अभियान भी चलता है और कैंसर के मामले में वो भी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। कुल मिलाकर उनकी राय ये थी कि हमें सोचना होगा, युवा पीढ़ी को सोचना होगा, उस ओर जाएं नहीं हम, अगर जाने के बाद फंसना तय है, इसलिए बचें। और दूसरा, ये नशा
कहीं भी आपको कंसंट्रेशन नहीं देता, केवल बीमारी देता है। ये कुल मिलाकर युवा पीढ़ी को समझना होगा कि कहीं किसी गलत फहमी के शिकार होकर नशेखोरी में चले जाएं तो नशाखोरी केवल मौत के दरवाजे तक ले जाती है, कहीं भी जन्नत का दरवाजा वहां नहीं मिलता। प्रताप जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक जन चेतना की यहाँ पर जरूरत है जो कि होनी चाहिए। सरकार प्रतिबंधित प्रतिबंधित के पोस्टर लगाती है, एड दिखाती है, लेकिन प्रतिबंध वास्तव में लगा नहीं पाती, और लगाती भी है तो फिर भी वहां पर बिक्री जो है धड़ल्ले से होती है। तो आखिर किस तरह की यहाँ पर जन चेतना निकाली जाए, किस तरह से एक लहर उठाई जाए, किस तरह से युवाओं को समझाया जाए कि इस पर कानून जो होता है वो सरकार जनता के लिए लाती है, और जनता उसे मानना नहीं चाहे तो वो कानून टूटता रहता है, और तमाम तरह की ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, सब कुछ होता है। यदि जनता में चेतना हो तो कानून की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ये जनता ही इसे अस्वीकार कर दे तो सरकार के प्रतिबंध या ना प्रतिबंध होने से क्या फर्क पड़ना है। जी बिल्कुल तो कुल प्रताप मिलाकर जी, जनचेतना बहुत जरूरी है। यानी कि इस पूरे जो भी डिस्कशन हुआ, जो कि डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि किस तरह से जन चेतना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जब तक जन चेतना नहीं होगी, जब तक युवा खुद ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उन्हें ये नहीं खाना है, क्योंकि ये जो खाने पीने की जो चीजें हैं एक्चुअली में इंसान को उसके दुष्परिणाम तक ही ले जाती हैं। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर।